तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने इनकमिंग एसएमएस को कैसे बंद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि कोई पर्सन हमें एसएमएस भेजता रहता है या कोई कंपनी वगैरह हमें एसएमएस भेजती रहती है, जबकि हमें उनके एसएमएस चाहिए भी नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम उन एसएमएस को कैसे बंद कर सकते हैं हमारे मोबाइल में आने से, और उन पर कैसे ब्लॉक लगा सकते हैं, और पर्टिकुलर नंबर पर कॉल पर जो हम ब्लॉक लगा सकते हैं या किसी कंपनी पर ब्लॉक लगा सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो में आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे आप किसी भी नंबर पर या किसी भी कंपनी पर ब्लॉक लगा सकते हैं। और जो भी आपके एसएमएस वगैरह आते हैं या जियो से रिलेटेड या किसी भी चीज पर्सन से रिलेटेड आते हैं, उनको बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इनको बंद कैसे किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके गाइस, तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, जाना होगा इस सब चीज़ के प्रोसेस को करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मैं उसके बाद अपने मेन्यू बार में आ चुका हूँ। तो मेन्यू बार में जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर इस सेटिंग्स में जाना होगा। तो अभी आप देख सकते हैं सेटिंग्स, तो सेटिंग्स पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है सेटिंग्स खुल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको जाना है। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेसी, तो ये प्राइवेसी में आपको जाना होगा। तो हम चलते हैं दोस्तों पहले प्राइवेसी में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसके अंदर चला जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्राइवेसी गार्ड, ब्लॉकिस्ट कॉलर लिस्ट। तो यहाँ पर हमें ब्लॉकिट कॉलर लिस्ट पे जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के नंबर आ जाते हैं, अदरवाइज़ जिसको भी आप ब्लॉक लिस्ट में लगाते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो अब मैं बताऊँगा कि आपको ब्लॉक लिस्ट में कैसे लगाना होगा। तो अब यहाँ पर आप इस आइकन को देख सकते हैं, नीले प्लस का आइकन होगा नीचे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई सा भी नंबर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपना नंबर टाइप कर देता हूँ और ओके पर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइकन आ गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है कॉलिंग पर बंद हो या एसएमएस पर बंद हो, तो यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ। तो अब ये एसएमएस पर आप नीला नीला देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमारा नंबर है, अगर ये कॉल करेगा तो हमेशा हमारे मोबाइल पर वो एसएमएस नहीं जा पाएगा, वो ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका है। तो फिर आप यहाँ से क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं और उसको डाल भी सकते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा प्रोसेस कि आप एसएमएस को कैसे डाल सकते हैं, चाहे वो जियो का हो। अगर आपका जियो का कुछ ज़्यादा एसएमएस करता है तो आप वो भी नंबर डाल सकते हैं और उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया।